हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस है, हम बशर। सो गाइस, आज की महंगाई के जमाने में 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। इधर गरीब को कोई 10 रुपए दो, मुंह पे मारेगा आपके के क्या दे रहे हो, ये हाल हुआ है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर 10 रुपए में अनलिमिटेड खाना भी मिलता है। और इधर खाना क्या है, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट आपको, 10 रुपए का इतना सा चिप्स का पैकेट भी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। उधर अनलिमिटेड खाना मिल रहा है, क्या सीन है पहले देखेंगे। आर यू हंग्री का वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। जहां 10 रुपए में एक गरीब आदमी को एक टाइम की रोटी तो छोड़ो चाय का प्याला भी नसीब नहीं होता, वहां ये राजा भोज की तरह लोगों को 10 रुपए में अनलिमिटेड शादी वाला जैसा खाना खिला रहे हैं। और जिस देश में बिजली इतनी महंगी हो, वहां पे गरीबों के लिए अनलिमिटेड एसी भी चला देते हैं। तो आइए आपको लेके चलते और दिखाते हैं। तो खाना बनाने की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सबसे पहले जो है टमाटर प्यूरी डाली जा रही है, इसकी जो थिकनेस जो है इससे मशीन की मदद से कम हो जाएगी, जो है सारी की सारी पिस जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जी बनाने की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले बन रहा है यहाँ पे शाही पनीर, उसके लिए देखिए थोड़ा सा इन्होंने रिफाइंड डाला है। उसके अंदर डालेंगे ये हम अपने बढ़िया तरीके से भाई साहब मखाने। मखाने के बाद डालेंगे ये अपने सारे खड़े मसाले। उसके बाद डाली जाएगी यहाँ पे टमाटो प्यूरी सारी की सारी, देखिए। उसके बाद इसको थोड़ी देर तक यूं ही धीमी आंच पे पकाया जाएगा। उसके बाद सारे जो इन्होंने मसाले हैं ना तोल के डाले जाएंगे, अपने हिसाब से डाले जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब तक वो सब्जी पक रही है तो यहाँ पे दूसरे पतीले में इन्होंने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, ताकि जो है इनका काम जो है बिल्कुल स्पीड पे चलते रहे। देखिए आप, फिर आप देख सकते हैं उसके अंदर डाले हैं खड़े मसाले, और फिर तीनों पतीलों के अंदर एक बराबर टमाटो फ्यूरी एक साथ डाली जाएगी। जी हाँ, अब जो प्रोसेस है एक साथ चलता रहेगा तीनों के अंदर। अब इसके अंदर हरी धनिया का पेस्ट डाला जाएगा नाप तोल के एक बराबर तीनों में। इसका क्या कहना सही में यार, शाही पनीर के आगे शाही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके अंदर शाही चीजें जाती है। ये जा रहा है भाई साहब पूरा, देखिए तसला भर के यहाँ पे खोया। कम से कम पूरे दिन में 1400-1500 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो देखिए दूसरे पतीले के अंदर भर भर के यहाँ पे पेठा आ चुका है। अब सब में एक बराबर काजू मगज की ग्रेवी डाली जाएगी। देखिए क्या बात है जी। और अभी तीसरे पतीले के अंदर आलू की सब्जी बनाई जाएगी। हर दिन जो मेन्यू होता है बहुत ही ज्यादा अलग होता है, हर दिन अलग वेरायटी का खाना बनता है। और अब देखिए शाही पनीर के अंदर डाली जा रही है यहाँ पे क्रीम। आप आ रहे हैं यहाँ पे बॉइल्ड मटर, जी हाँ, काफी क्वांटिटी में देख सकते हैं यहाँ पे डल रहे हैं और काफी मात्रा में। देखिए यहाँ पे पनीर के पीसेस जो यहाँ पे काटे जा रहे हैं, और ये तो पूरे दिन का एक बैच बन रहा है। करीबन ये पूरे दिन में 2-3 बारी ऐसे बैच बनते हैं। देखिए अब सारा का सारा पनीर है जो ग्रेवी के अंदर डाल दिया गया, और अब मटर पनीर देखिए कुछ मिनटों के अंदर जो है यहाँ पे तैयार होकर अभी आपके सामने आ जाएगा। अब तीनों के अंदर इनका जादू डाला जा रहा है। जादू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये है इनकी सबसे स्पेशल मसाले। जी हाँ, अब देखिए इनको बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिक्स करा जाएगा अपनी सब्जी के अंदर। और लीजिए कर रहे हैं अभी ये शाही पनीर का श्रृंगार, और हमारी तीनों सब्जी एकदम तैयार। जी हाँ, आप चेक करिए यहाँ पे इनकी शाही पनीर की सब्जी, इनकी पेठे की सब्जी और इनकी आलू की सब्जी, तीनों की रंगत एकदम बेमिसाल है। अब चौथा पकवान बनने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए सारी की सारी सूजी डाल दी गई है हलवे के लिए, और इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे भूना जाएगा काफी देर तक। अब गर्मा गर्म केसर वाली चाशनी के अंदर डाला जाएगा यहाँ पे पिस्ता, बादाम और काजू एकदम बारीक कटे हुए। उसके बाद सारी की सारी भुनी हुई सूजी को कर दिया जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर। ये देखिए क्या एकदम बढ़िया तरीके से खोल रही है, अमेजिंग भाई, देखते ही मजा आ गया। और लीजिए मेहरबान करदान, चेक करिए हमारा बढ़िया सा हलवा भाई, काजू बादाम से भरपूर है और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना कि आपके मन को एकदम मनमोहित कर ले। तो अब अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे पूड़ी बनाने की शुरुआत हो गई है। आप हैरान रह गए कि भाई इतनी सारी डिश वो भी 10 रुपए थाली के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ भाई, आप विश्वास मानिए सारा का सारा खाना तैयार हो रहा है। और अब देखिए पूड़ियाँ यहाँ पे तैयार हो चुकी है। पूड़ी को तला जाएगा, और तलने के बाद सारी की सारी पूड़ियाँ जो है इस बड़े से बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे चावल भी आप देखिए बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुके हैं। उसके ऊपर डाला जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से पनीर के पीसेस, और अब सारे के सारे खाने को इनके 10 रुपए वाली थाली के आउटलेट पे लेके जाया जाएगा, जहाँ पे सारे के सारे जरूरतमंद लोगों को यहाँ पे बांटा जाएगा। 10 रुपए में, 10 रुपए में, यहाँ पे 10 रुपए की थाली लगने जा रही है। तो 10 रुपए की थाली में सबसे पहले आ गई थी हमारे यहाँ पे चावल। चावल आ गए सर, ये पुलाव है, ओके, ये मटर पनीर की सब्जी है सर, अरे वाह भाई, ये सीताफल की सब्जी है सर, और सारी चीजें 10 रुपए में। हाँ जी सर, 10 रुपए में भाई, ऐसा नहीं है कि एक सब्जी 10 रुपए में, सबको 10 रुपए में। और ये आलू मटर, आलू टमाटर की सब्जी है जी, ओके, और ये सूजी का हलवा है, देसी घी का, देसी घी का हलवा, देसी घी का हलवा। ओ भाई साहब, दो पूड़ी 10 रुपए के अंदर ऐसा खाना अगर आपको कहीं पे मिल जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना पूरे भारत वर्ष में। 10 रुपए में ऐसा शादी वाला खाना कहीं पे नहीं देखा। और भाई बहुत लोगों के लिए ना ये जगह
एक इमोशन है क्योंकि भाई सब लोगों का, कई हजारों लोगों का इस जो जगह से पेट भरता है। ये देखिए वेट भी देखिए कितने सारे लोग हैं वहाँ पे कर रहे हैं और जस्ट अभी खुली है तो पूरे दिन में कम से कम भाई एक कितने लोगों को खिला देते हैं। ये तो 1000-1200 बोलते हैं, मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा को ही खिला देते हैं ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए सारे लोग जो है अपने सम्मान से 10 रुपए देंगे और यहाँ पे आगे खाना शुरू करेंगे। ये यहाँ की खास बात है कि भाई हर कोई अपना मान सम्मान से आता है और खाना खाता है। अगर भैया 10 रुपए में खाना मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा आपके साथ? बड़ी दिक्कत आ जाएगी सर, इतनी कमाई भी नहीं है हमें तो। 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा शादी में भी मिलेगा तो 10 रुपए में खा लेता हूँ। अच्छा खाना है बढ़िया, हमें बहुत बढ़िया लगता है, आदमी है बहुत बढ़िया लगता है। 10 रुपए में हमें घर पेट चलाता ही है, कोई गिरा नहीं सकता हमें। अगर ये भाई साहब बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। 10 रुपए में खाना कहे पूरे भारत में नहीं मिलेगा, सबसे बढ़िया खाना। और अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा? लस्सी भी दी है, बीच में हो जाएगी। अच्छा हाँ गारंटी है, जैसे बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 10 रुपए में खाना खिलाते हैं, आप लोगों के सहयोग की वजह से हम 3 साल से यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये पूरे न्यूट्रिशन के साथ खिलाते हैं, जिसमें पर डे हमारे यहाँ पे 800 से 1000 लोग खाना खाते हैं और वीकेंड पे इनकी किसी के साथ करते हैं वीडियो। 1000 से 1200 लोग खाना खा रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया यार मतलब लोग उधर भूख से मार रहे हैं पूरी दुनिया में। 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, वो 10 रुपए में ऐसा खाना भारत देश में मिल रहा है। मैं कहता हूँ यार तुम लोग लकी हो सीरियसली, तुम्हारे पास ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा आपके कार्य है, यकीन करो बहुत लकी हो आप भारत में पैदा हुए। इतना सस्ते जगह जगह पे ये चीजें लगी होती है, कहीं पे रुपए की खाली। ये ऐसे टाइम है और हमारे साथ हो चुका है। इधर हम अगर फकीर को किसी को 10 रुपए देना उठा के फेंकता है, कहता है भाई क्या कर रहे हो सीरियसली। आपको मैं प्रॉमिस भी बता रहा हूँ, ये हो चुका है हमारे साथ। तो आजकल 10 रुपए में इंडिया में पेट भरकर और अनलिमिटेड खाना दे रहे हैं, और एक सब्जी नहीं है, 3-4 किस्म का दे रहे हैं, छाछ भी दे रहे हैं, साथ में चावल दे रहे हैं, शाही पनीर में शाही हलवा दे रहे हैं। मैकिंग में आप देखो कितने महंगे आइटम डलता है, मैकिंग में कितने महंगे महंगे आइटम डलते हैं। खाली हलवा देखो देसी घी से बन रहा है, काजू बादाम वाला हलवा, सही बात। और छाछ के ऊपर भी वो लगा हुआ था, ऊपर काजू बादाम डाले हुए थे, वो लस्सी थी जो भी। यार चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, मैंने एक बात नोट की है, अगर इंडिया में इन जैसे लोग और इंडिया में इस तरह लोगों का ख्याल करने वाले लोग हैं ना, ये देश कभी भी जो है ना पीछे नहीं रह सकता, ये हमेशा आगे जाएगा जो एक दूसरे का इस तरह ख्याल करने वाले लोग हैं। आपका इसी वजह से यार दुनिया क्यों इंडिया से प्यार करती है, वो रिस्पेक्ट करना जानते हैं, वो भूखे को खाना खिलाना जानते हैं। सच में मैं बता रहा हूँ, इस तरह होता है यार। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में, और बाकी भाई आपकी बातें बिल्कुल बिल्कुल। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।